दोस्तों, अगर सिद्धार्थ शुक्ला और शहनाज गिल की बात हो तो सिद्धार्थ के घर वाले, चाहे वो उनकी मदर रेता शुक्ला हों या सिद्धार्थ शुक्ला की बहन, ये सब लोग ही शहनाज गिल को काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं। और यहाँ तक कि सिद्धार्थ की बहन ने तो शहनाज गिल को लेकर के ये भी कहा था कि अगर ये सिद्धार्थ शहनाज को पसंद करता है या शादी करना चाहता है तो उन्हें कोई भी एतराज़ नहीं होगा और उन्हें शहनाज गिल काफ़ी ज़्यादा पसंद है। खैर दोस्तों, इसी के साथ साथ आपको बता दें कि हाल ही में डेवोलीना और शहनाज की कंट्रोवर्सी के बारे में सिद्धार्थ की बहन का क्या रिएक्शन आया था। खैर उससे पहले, अगर आपने हमें YouTube पर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को नहीं दबाया हुआ तो जल्दी से रेड बटन को दबाएं, हमें YouTube पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। उससे ये फ़ायदा होगा कि आपको मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशंस भेज दिया करूँगा। अब दोस्तों, सिद्धार्थ की बहन को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आया है डेवोलीना पर, जो कि डेवोलीना ने सिद्धार्थ और शहनाज को लेकर के कहा था, और सिद्धार्थ की बहन डेवोलीना पर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा है। अब दोस्तों, ये काफ़ी ज़्यादा खबर आ रही है सबकी तरफ से कि सिद्धार्थ की बहन को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आई थी। खैर अगर शहनाज और सिद्धार्थ के फैंस की भी बात की जाए तो उन्हें भी ये बात ज़रा भी पसंद नहीं आई थी और उन्होंने सिर्फ और सिर्फ डेवोलीना की ही क्लास लगाई थी। और अब सिडनाज के गाने के व्यूज़ भी 52 मिलियन हो चुके हैं। अब क्या ये 100 मिलियन हो पाएंगे या नहीं, ये देखना तो इंतहाई दिलचस्प होगा। और साथ ही आपको बता दें कि अभी सिडनाज के लिए ट्विटर पर ट्रेंड भी जारी है, और कल के दिन सिद्धार्थ शुक्ला के फैंस ने 1 मिलियन ट्वीट्स करके सिद्धार्थ का एक और बार ट्रेंड कर दिया है। और बिग बॉस को ख़त्म हुए काफ़ी टाइम हो गया है, लेकिन अभी भी सिद्धार्थ शुक्ला ट्रेंडिंग में नज़र आ रहे हैं, और ये सब कुछ शहनाज गिल, सिद्धार्थ शुक्ला और सिडनाज के फैंस की वजह से ही है। और सिद्धार्थ के गाने और शहनाज के गाने ने भुला दूंगा ने काफ़ी ज़्यादा रिकॉर्ड्स भी ब्रेक कर दिए हैं। खैर दोस्तों, इसी तरह की दिलचस्प खबरों के लिए हमें YouTube पर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप ये वीडियो हमारे Facebook पेज पर देख रहे हो तो हमारा Facebook पेज ज़रूर फॉलो कर देना फास्ट अपडेट्स के लिए। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, लेकिन तब तक के लिए आपने अपना ख्याल रखना है, मुझे दुआओं में याद रखना। गुड बाय, टेक केयर गाइज़।